नया साल हो चुका है शुरू 2024 और तुम्हारा भाई फुल खपतम करेगा 2024 के अंदर। लोड़े दारू पी के बहन छो बियर पी के मुताज बहुत लग गया यार, मुताज चार बार तो कर चुका, फिर दोबारा मुताज लग रही है क्या करूं। पैंतीस चालीस साल की है ये, करना है तो अलग अभी और क्या भयंकर मॉल आ रही है, काले कपड़े में लोड़ा खड़ा हो गया अभी। Happy New Year everyone. say Happy New Year. तो दोस्तों आज जो है 31st December है और आज मैं जा रहा हूँ फुल भोकाली बचाने 31st को सेलिब्रेट करने पटाया सिटी में। और यार अभी मेरी जो माल है ना अरण्या, ये बोल रही है हिंदुस्तानी खाना इसके, तभी हम एक इंडियन ढाबे पे जा रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट पे, जो मतलब ठीक ठाक खाना मिलता है। अगर मतलब आप भी पटाया रहे ना घूमने थाईलैंड, तो उस ढाबे पे चले जाना, मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। और मतलब अच्छा फूड अच्छा मिलता है वहाँ पे और टेस्ट भी अच्छा है, और लोकेशन मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, है ना। तो दोस्तों यार अभी थोड़ी देर पहले ही, लगभग एक घंटे पहले ही गपा गप किया है, क्योंकि इसका दिन में आज मूड बन गया था, तो मैंने पहले इसको ही शांत किया है। आज दारू सारू पी नहीं थी मैंने, बिना दारू पिए ही कर दिया सही, मतलब हो गया फिर 15-20 मिनट तो हो गया था मामला। आज भोकाली को जाएंगे, पहले खाना खाने जा रहे हैं यार, भूख लग रही है मतलब ज़्यादा ही, मुझे भी भूख लग रही है। Salgo a caminar al sol por nuestro lago y por donde mire te veo en todos lados. Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. तो दोस्तों ये है वो रेस्टोरेंट पटाया में, इसका नाम ढाबा ही है, ठीक है ढाबा। देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे इंडियन खड़े भी है, सब खाना खाने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो खा सकते हो आप। वैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट ठीक ठाक ही है, इतना महंगा भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है, ठीक ही है। ओके, और पंजाबी रेस्टोरेंट है तो मतलब पंजाबी तरह का खाना मतलब ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बैठने बैठने की ठीक ठाक जगह है और लोकेशन भी ठीक है, टेस्ट अच्छा है इनका, मतलब खाते हैं तो टेस्ट अच्छा है और सर्विस भी ठीक ठाक है इनकी। तो दोस्तों इसी रेस्टोरेंट पर आ गए हम, इसका नाम है ढाबा, ये वाला रेस्टोरेंट है, ठीक है। लोकेशन इनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड करूँगा। खाना वाला अच्छा बनाते हैं, ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा इन पर। देखो देसी चाय वगैरह मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मेन्यू देखो, सारी चीज़ें मिल जाएगी इनके पास में, और रेट भी मतलब ठीक है, इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक रेट है इनका। तो दोस्तों तुम्हारे भाई ने खाना वाना खा लिया इंडियन ढाबे पे, मैंने चार पांच चीज़ें ऑर्डर की थी, इसको यार थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा रहा था, मतलब सात सौ भात का भी आ गया, बंदा खा रहे छोले भटूरे कुछ नॉर्मल सा खा रहे तो ठीक था। माल देखते चलो मेरे पीछे, अबे कैमरे मान ऐसे शर्माती है, मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ ना लोड़ा से सुनी से। आज इसने बोला था 20 पे के मतलब बिजली से नहीं तो मतलब वीडियो मत लेना, ये हो गया लोड़ा सारा। अभी जा रहा हो यार पटाया बीच पे, वॉकिंग स्ट्रीट पे भोकाली करने। अब मन है दारू पीने का दबा के। सामान शांत है यार पूरा, इसलिए लाइक दिस। पटाया की सड़कों पे फुल भोकाली करते हुए तुम्हारा भाई छोटा भाई। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और माल देखते चलो
मतलब बहुत सालों बार बार ये बोल रहे कि गपा गप करते हुए दिखा दे यार, यूट्यूब पर नहीं डाल सकते गपा गप वाला वीडियो, यूट्यूब एल लगा देगा बढ़िया करके। होली होली हो जाए इधर होद में, इंडियन फूड इज लाइक दिस इफ यू ईट लिटल बट यू फुल, थाई फूड यू ईट मोर बट नो फुल, इंडियन फूड इज हैवी इफ यू ईट लिटल देन यू नॉट हंग्री वेरी अर्ली बिकॉज फूड इज गुड। Maybe if go there, then what would straight come? Yes. मोहाली करते हुए, अबे जब तक put location on Google, जब तक दारू पीता नहीं ना, जब तक लोड़ा लाड़ा वीडियो बना रहा मजा नहीं आता मोहाली करने में। अभी पहले दारू पीऊंगा जाके मैं, यार पैदल पैदल जा रहा हूँ ताकि आप सबको दिखा दूँ। और नया साल आज फुल भोकाली करनी है स्ट्रेट भोकाली करके ना, आज रात भोकाली मचा के कल सुबह बैंकॉक जाऊंगा। कल मतलब 12 बजे चेकआउट है ना होटल से, तो यहाँ से निकलेंगे 11 बजे निकल जाएंगे बस से बैंकॉक के। कल तो मेरे होटल थोड़ा नहीं किया है, कल खाली हॉस्टल गया उसमें रुकूंगा, सिंगल बेड है 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिला है। अब यार मेरे घर वालों ने बड़ा दुखी करके रखा है, सारे के सारे कॉल कर रहे हैं क्या कर रहे हो, लोड़ा कर रहे हो, सर कर रहे हो, दिमाग की बैंड बजा रखी है। मेरे घर वालों ने सब ने यूट्यूब चैनल ले रखा है मेरा, सब वीडियो देखते हैं क्या हराम में पन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों तुम्हारा भाई जो है पहुंच चुका है बीच पे, पटाए के बीच पे जहाँ घपा घप वाली लोंडे मिलती है। अबे यार मेरे माल की चप्पल टूट गई जो इसने पहन रखी है, चप्पल ढूंढ रही है, चप्पल लेनी है उसको, चला नहीं जा रहा इससे, अभी चप्पल दिलवा लोड़ा इसको, पता नहीं कैसे तोड़ ली इसने बैग। You check. Looks good, but you check. Perfect or not? Okay. Yeah, good.
तो दोस्तों मेरी माँ ने ले लिया चप्पल, जूते लिए इसमें। पैसे तो इसमें खुद नहीं दिए, मतलब जो कुछ लेती है ना मुझसे मना कर देती है कि पैसे मत दो, खुद नहीं दिए इसने, मतलब पैसे वैसे 300-400 हाथ के तो होंगे पैर जूते से। तो दोस्तों ये है पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट, और ये इसका मेन एंट्री डोर है, यहीं से बस शुरू हो जाती है जो पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट है। ये देखो सभी लोग फोटो ले रहे हैं, और देखो कैसी कैसी माल है, रशिया की अरबी सारी माल यहाँ पे मिल जा रही है आपको। देखो कितनी ज़बरदस्त माल आ रही है, ये लाल वाली देखो, ये काली वाली देखो, आई हई 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 सामान खड़ा हो गया भाई भाई, बहुत ज़बरदस्त माल देखने को मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। और यहीं पे मतलब तुम सेट भी कर सकते हो किसी रशियन को, ठीक है, बातचीत करके। अभी देखो जैसे एक माल खड़ी है, बातचीत करके तुम मतलब हाई हेलो करके सेट भी कर सकते हो इनको यहीं पे। तो दोस्तों मेरा ना मतलब इसमें प्लान था जाने का जन्नत क्लब में, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में देखा था कि भाई जन्नत क्लब ऐसा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, तो उसी की तरफ जा रहा हूँ। ये वॉकिंग स्ट्रीट में जैसे आप एंटर होगे ना, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा आपको 10 से 15 मिनट, और वहीं पर मतलब बाई साइड में, लेफ्ट साइड में जन्नत क्लब है। और अन्य तो यार मना कर रही थी कि नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है क्लब में, पर मैंने बोला मैं चलो देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में देखा मैंने कि ठीक ठाक है। अभी वहीं पे जा रहे हैं पैदल चलते। कल यार एक बंदे ने बड़ी गंदी हरकत की है, किसी ने यार मेरी गर्लफ्रेंड को और अन्य को मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये सब बहुत गंदा गंदा भी उसने बोला है। भाई जो भी बंदा हो आप में से अगर वो वीडियो देख रहा हो, तो भाई ये सब सिर्फ मजाकखोरी के लिए बोलता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं मतलब प्यार करता हूँ उससे रियल में, वो तो खाली मजाकखोरी में वीडियो में बोल देता हूँ कुछ भी, ऐसा वरना है नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यार ऐसा मत करो, क्यों हमारा भाई रिलेशन ख़राब करा रहे हो आप, 2 दिन से झगड़ा करने से, झगड़ा ही कर रहे हैं मेरे साथ में, 2 दिन से लड़ाई करने पर लगी हुई है, आज जाकर थोड़ी ठीक हुई है। तो दोस्तों यही है भाई जन्नत क्लब, और नया साल है तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन मतलब चालू करके रखा था, और यहीं से बस एंट्री कर रहे थे। तो आईडी देखी थी इन्होंने, मेरा पासपोर्ट का फोटो, फिर एंट्री दे दी थी। पर यार पता ही इन्होंने क्या सीन कर रखा था आज, मतलब नए साल पे 1000 बाहत एक पर्सन की एंट्री मांग रहे थे, और मेरे साथ में जो मेरी गर्लफ्रेंड और इन्हें दोनों थे हम, तो 2000 बाहत तो हमारे ही हो गए, और ऊपर से फिर बोल रहे थे कि अगर तुम 20 किलो गए वोट कर लोगे उसका फिर अलग से पे करो। मेरी जो गर्लफ्रेंड उसको जाना था नहीं, मतलब अरण्य को जाना नहीं था इस क्लब में, मैं मतलब ज़बरदस्ती कर रहा था कि चलो चलो, ये तो मना ही कर रही थी। तो भाई 2000 बाहत मांग रहे थे दो आदमियों के, तो फिर हम दूसरा क्लब में आ गए, ये एक क्लब था, तो इसमें मतलब कोई एंट्री फीस नहीं थी, फ्री एंट्री थी। और ये चांग बियर ही पीती है, चांग लियो तो वही ली थी, देखो ये चांग बियर रखी ना वही पीती है ये भी और मैं भी, तो 150-150 बाहत की, 150 की नहीं मतलब 140 बाहत की दे रहे थे एक बियर, तो ये दो बियर पी गए हम यहाँ पर, मतलब थोड़ा डांस वांस कर रहे थे, और बस ये देखो पीछे देखो रशियन बैठी, देखो पहले काले कपड़ों में रशियन है, ये रशिया की बैठी यहाँ पे माल। तो इस क्लब में थोड़ा फिर हमने इंजॉय किया बस, और उसके बाद में बाहर निकल गए थे इस क्लब से। Caribe, Larito, V,
la noche yo que mando aquí. Ven acá, suelte mami, así me gusta soto. Siete copas, una juca tequila. Sali, sali, sali. अबे यार ये खुद ही पी लेती है, मुझे ही पिला देती है, फिर तो झूम गई है। झूम तो मैं भी गया यार, पर इसका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। उसको चढ़ गई है, अब लोग चढ़ मुझे भी गई है। अबे फुल गबा गप के मूड में आज दोबारा। दो दिन में तुम्हारे भाई ने एक बार पहन लिया है, एक राउंड हो चुका है, दूसरा होने की तैयारी है। आस पास ऐसे जी खतरनाक गाले जा रही है ना, मन कर रही है घस घसा दूं इनको। अरबी जा रही है, अरबी दुबई की पिछ बड़े पिछवाड़े वाली भयंकर मॉल ला रही है। काले कपड़े में लोड़ा खड़ा हो गया वे। तो दोस्तों यार देखो एक बात सुनो, अगर तुमने यहाँ पर सेटिंग की है ना तो लोड़ा, फिर तुम्हें उसकी सुननी ही पड़ेगी, जो बोलती है वो करना पड़ेगा। अभी इसको भूख लगी थी यार, इसने बोला कि मेरे को सी फूड खाना, तो सी फूड खिलाना पड़ेगा तुम्हें। ये मुझे कहा एक किलोमीटर पैदल चला के लिए, मैं इसको बोला बर्गर से रखा, मना बोल दी नहीं खाऊंगी। अभी यहाँ पे है देखो, ये सी फूड है। अबे लोड़े दारू पी के बहन चोर, बियर पी के मुताज बहुत लगती है यार। मुताज चार बार तो कर चुका, फिर दोबारा मुताज लग रही है, अब क्या करूँ। अरे खाना खा रहे हैं यहाँ पे, वो सी फूड खा रहा था, मेरी माल को सी फूड खिला रहा हूँ इसको, मुताज लग गई। फिर तो दोस्तों अभी बज गए हैं लगभग रात के 11 और नए साल यहाँ पर मतलब आतिशबाजी होने वाली है शुरू। एक घंटा बाकी है। तुम्हारे भाई की माल ने बियर ली है, लियो अभी। ये चटाई ली है यार यहाँ पे बैठने के लिए। देखो कुर्सी तो मतलब बहुत ज़्यादा लगी हुई यहाँ पे, पर सब भर गई है। ये 60 भात की ये लिए देखो, हमें चटाई ये बिछा के ना यही बियर पियेंगे, थोड़ा सा खाना ले ली माल ने, ये सी फूड ये खाएंगे और फिर रात को जब घपा घप करेंगे घर जाके। ये देखो बिछा रही है मेरे लिए। नया साल कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है, लगभग 40-50 मिनट के बाद। He told me that Shehbaz, you look good. That's why all girls like you. और नए साल पर भोगाली शुरू हो चुकी है, देखो आतिशबाजी शुरू हो चुकी है भाई। पटाया बीच पे पटाया थाईलैंड, भोगाली शुरू हो गई है। देखो आतिशबाजी नए साल की, नया साल हो चुका है शुरू और 12 बज गए दोस्तों। देखो यहाँ पर भोगाली शुरू हो चुकी है फुल, और तुम्हारा भाई का सामान खड़ा हो चुका है। इस माल को देख के क्या फिक्र है, साले की चुंडी कुंडी दिख रही है। हाय 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 हाय। और हो चुके हैं शुरुआत। नया साल हो चुका है शुरू, 2024।
और तुम्हारा वाई फुल घपा घप करेगा 2024 के अंदर। तो दोस्तों नए साल पर भोगाली मचाएगा तुम्हारा भाई आ गया है। अब यार मुतोस लग गई बहुत तेज़, अभी लोड़ा यहाँ पे चक्कर ही है ना, कहीं पेशाब करने का से रहता नहीं, होटल में जा करना पड़ेगा। अभी मेरी माल बोली के निरोध प्रोध ले लो, पहले सुपरमार्केट से पानी ले आया पीने के लिए, फिर पैदल पैदल चलते हैं। अब यहाँ से होटल 15 मिनट पैदल चल के जाना पड़ेगा, तब है वो ही लिया, तो पानी वानी लिया जा रहे। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे यार, मतलब कोई ना ऐसा पीपी नहीं करता बाइक का, मतलब हॉर्न नहीं बजाता कोई भी, चुपचाप जाते हैं सब। चलो भाई बाय बाय कर देते सब, कल मिलता तुम सबको बाइक के साथ।